यूपी की राजधानी लखनऊ में मच्छरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के कई मरीज सामने आ रहे हैं। बुधवार को मिली रिपोर्ट में भी डेंगू और मलेरिया के कई मरीजों की पुष्टि हुई है। बुधवार को मिली रिपोर्ट में डेंगू के 57 नए मरीज मिले हैं। मलेरिया के 3 नए मरीज भी मिले हैं। महज 16 दिन के अंदर 816 डेंगू पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कई मरीज अस्पतालों के आईसीयू में भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 1231 घरों और आसपास का सर्वेक्षण किया। लार्वा मिलने पर 12 घरों को नोटिस जारी किया गया है। लखनऊ के शहरी इलाकों में तेजी से अटैक के बाद अब ये मच्छर ग्रामीण इलाकों में भी अपना जहर फैला रहे हैं। बुधवार को 12 मरीज इन्हीं क्षेत्रों से हैं। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों के वार्ड में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज भर्ती हैं। डेंगू के अलावा करीब 1.5 दर्जन मरीज वायरल फीवर, मलेरिया और टाइफाइड के कारण भी अस्पतालों में भर्ती हैं। आप खुद को डेंगू के चपेट में आने से कैसे बचा सकते हैं ये भी जानिए। घर के अंदर या आसपास पानी ना जमने दें। खुद को मच्छर काटने से बचाएं। शरीर को कपड़ों से अच्छे से ढके रखें। घर के कोनों में मच्छर मारने वाले स्प्रे करें। मौसम को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि डेंगू को लेकर अगले 15 दिन अलर्ट रहने की जरूरत है। हालांकि रात का पारा 25 डिग्री के नीचे आने के चलते ये लार्वा खुद ही दम तोड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी सावधानी बरतने में ही भलाई है।